अब छोड़ भी दो इस न्यूज़पेपर को। आज के दिन भी लेट कराना चाहते हो क्या? तुम्हें पता है ना वहां को लेके जाना है उसके चेकअप के लिए। मैं तैयार हूँ कि कार्तिक को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ। अरे हाँ याद है मुझे, कल से 3 बार बोल चुकी हो। और कार्तिकी मैम को बोल के आना, इसको पानी पिलाते रहा करो, खुद से नहीं पीता ये। फटाफट चाय फिनिश करो, रेडी हो जाओ। और हाँ आप भी सुबह से 3 बार बोल चुके हो कार्तिक को पानी पिलाने वाली बात। तो चाय लेगा अभी? नहीं भाई, मेरा मन नहीं है। क्या यार, अरे ले लेना, एक ही जो चीज है जो तेरी भाभी अच्छी बनाती है। हाँ पता है मुझे तेरा मन नहीं है, तो आज भी वही सब पुरानी या कुछ नहीं है? भैया आप जानते हो ना, मैं नहीं करना चाहता था वो सब। हाँ पता है, पर तूने फिर भी किया। चल छोड़, माँ से मिला? हाँ देखा माँ को, मिला नहीं बस, अब भी वैसे ही है। माफ नहीं किया मुझे? माफ? वो तो मैंने भी तुझे अब तक नहीं किया। भैया आप तो ऐसे बात मत करो, आप जानते हो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं था भी? सही में किस किसने नहीं समझाया तुझे उस वक्त? हाँ पर मुझे भी तो कुछ सही लगना चाहिए था ना भाई, आखिर डिसीजन तो मेरी लाइफ का ही था। हाँ माना कि तेरी लाइफ थी और डिसीजन भी तेरा ही होना था, पर जो डिसीजन तूने लिया अभी, क्या वो सही था? और वो डिसीजन तेरा इतना ही सही होता तो रोज तू ही मुझसे अकेले मिलने कभी नहीं आता। भैया मैं किसी को सही या गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं बस अपनी बेबसी बता रहा हूँ। वैसे भी अब सिर्फ तुम ही हो जो मुझे सुन पाते हो। अगर मैं इतना ही सुनता हूँ जो कि तुझे लगता है अभी, तो उस दिन क्यों नहीं है मेरे पास? वो डिसीजन लेने से पहले क्यों बात नहीं की तूने मुझसे? मुझे लगा ना तो फिर माँ को मुझसे कुछ शिकायत रहेगी, ना ही आपको और ना ही मुझे अंकिता को कुछ समझाना होगा। शिकायत तब कभी ना थी तुझसे, शिकायत तो आज हम सबको। तुझे क्या लगता था तू वो सब करेगा और सब ठीक हो जाएगा? अब क्या हम सब खुश हैं? मैं, माँ, स्नेहा, कार्तिक, कोई खुश है? और अंकिता, क्या वो खुश है? मैं हर रोज यही सोचता हूँ भाई, वो समय, वो मनोज समय, वो जज्बात, वो निर्णय या वो अंजाम, काश मैं कुछ भी बदल पाऊं। बताओ ना भाई कैसे बदलूं मैं वो सब, या फिर शायद उस दिन आप ही बदल गए होते। याद है ना आपको, आया था मैं आपके पास और आपने कहा बदलना तो अब तुझे खुद को ही पड़ेगा। भाई आप सुनो तो सही यार मेरी बात, भाई सुनो ना। सुन रहा हूं मैं अभी, पर तू ही बताना मैं क्या करूं। यार समझाओ माँ को, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। किसी से प्यार करना, उससे शादी करना कोई गुनाह नहीं है। अभी तू भी तो समझने की कोशिश करना, जिंदगी में सारी चीजें अपने हिसाब से नहीं होती। हाँ ठीक है तू किता को प्यार करता है, पर उसके घर वालों का भी तो मानना जरूरी है ना। यूं समाज से भाग कर तुम। समाज? समाज कौन भैया? समाज कौन होता है हमारी जिंदगी के फैसले तय करने वाला? और समाज हमसे मिलकर बना है ना, हम समाज से नहीं बने, तो उसे क्या तकलीफ है हमारी खुशियों से? हाँ समाज हम जैसों से ही बना हुआ है, और हम इसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? और शायद इसीलिए ही तो ये संतुलन सब कुछ बना हुआ है, इसके कायदे कानून तोड़कर हम। भाई 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 मुझे नहीं सुनना ये सब, जिसमें मेरी खुशी नहीं है। मैं वही करूँगा जिसमें मेरी खुशी है और जो मुझे सही लगे, और मैं कानूनी तौर पर गलत नहीं हूँ।
ठीक है, जब बात ही खत्म है तो फिर क्यों आया मेरे पास? भैया मैं सिर्फ आपका साथ चाहता हूँ, पूरी दुनिया का नहीं। तो फिर इसमें तुझे मेरा साथ नहीं मिलेगा अभी। और तुम्हारा माँ, माँ का भी नहीं। निखिल, निखिल, निखिल कहाँ खो गए? चाय नहीं पी अभी तक? क्या बात हुई, आज फिर अभी से बात कर रहे हो? संभालो अपने आप को, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। ऐसे मत कोसो अपने आप को, वो जहां भी होगा ठीक होगा। ठीक हूँ मैं, तुम चलो, मैं आता हूँ चाय फिनिश करके। भाभी सही तो कह रही है भाई, आपके लिए मुझे भूल जाना ही सही है। काश मैं तुमको समझा पाऊँ, ऐसा फैसला लेने से अच्छा तू हमसे कहीं दूर चला जाता, जहाँ से हम तुझे कभी वापस तो बुला सकते। हाँ शायद हम नाराज रहते तो उससे, पर कब तक? एक दिन तो ऐसा आता जब हम तुझे माफ करते और शायद सब ठीक हो जाता, पर अब देखना, अब ना ही तुझे अपने पास बुला सकते हैं और ना ही तुझे भूल सकते हैं। मैं उस वक्त वहीं था भाई, मैंने देखा वो सब, मगर मैं कुछ कर नहीं पाया। भाई आप आए थे वहां, मगर तब तक मैं जा चुका था। या तो काश आप ही एक पल पहले आ जाते या मैं ही खुद को एक पल रोक पाता। काश मैं उठ खड़ा होता, रोक लेता आपके आंसू, माँ के आंसू। भैया मैं बदल देना चाहता था वो सब। काश मैं अंकिता के साथ बैठकर बात को किसी और अंजाम पर ले जाता, जो सपने हमने साथ में बैठकर देखे थे, सब नहीं तो उनमें से कुछ तो पूरे कर पाता। इस तरह मैं उसे अकेला छोड़कर ना जाता तो शायद सब ठीक हो जाता, मगर उस वक्त मुझे ये सब ध्यान ही नहीं आया, ये सब मैं समझ ही नहीं पाया। भाई मेरी आखिरी सांस तक मुझे लग रहा था कि मेरी समस्याओं का बस यही एक आखिरी तरीका है, लेकिन उसके बाद सब बदल गया। मुझे हजारों तरीके दिखने लगे, मगर मैं उनमें से किसी भी तरीके को चुन नहीं पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था भाई कि किसी तरह कुछ पल पीछे चला जाऊंगा और कुछ बदल जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठहर गया। मैं सब देख पा रहा था मगर कुछ बदल नहीं पा रहा था, और अब बदल भी नहीं पाऊंगा। अब बस हम इसी तरह मिलते रहेंगे। अब मुझे जाना होगा अभी। चलो ना। हार गया जिंदगी क्यों मैं, लड़ना ही तो जीवन की बुनियाद है। काश जी लेता लड़कर मैं उस जिंदगी का अफसोस, अब यूं मरने के बाद है।